रात के 7:15 बज रहे हैं और इस वक्त जो है पुलिस वालों ने आके हम पे अटैक कर लिया, इस्लामाबाद पुलिस ने। उनका कहना था कि आपने यहाँ पे कैंप्स क्यों लगाए हुए हैं, आपको इसके लिए परमिशन चाहिए। और सारी गेम ये थी कि हमने उनको पैसे नहीं दे, बेसिकली वो पैसे ही डिमांड करना चाह रहे थे। हम क्यों रिश्वत दें भाई, हमने बिल्कुल भी नहीं देनी। हमारा मुल्क है, हम जहाँ जिस तरह रहना चाहें हम रह सकते हैं, हम आज़ाद हैं। कैंपिंग तो हमने करनी है, चाहे किसी भी कॉस्ट पर करनी पड़े। हम आगे जा रहे हैं और कैंपिंग करेंगे। ओके जी, हमने वापस सामान वगैरह बाइक्स पे लोड करके अब दोबारा हम जा रहे हैं जी नेक्स्ट कैंपिंग स्पॉट की तरफ। और यहाँ पे हमारा अच्छा खासा जो है टाइम भी ज़ाया किया, पुलिस वालों ने हमारी एनर्जी भी ज़ाया की, लेकिन कोई बात नहीं है, हमने अपने आप को स्टिल मोटिवेटेड रखा हुआ है और कैंपिंग हमने करनी है। इंशाल्लाह आपको अच्छे स्पॉट पर लेके जाएंगे, हम भी इंजॉय करेंगे और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। ओए यार, इस्लामाबाद का क्या कमाल का नज़ारा है। आज मौसम बहुत क्लियर था ना, तो इस्लामाबाद का व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग हुआ है। इस दिन नाइट का व्यू बहुत कमाल का है। और ये है जी इजलू ग्रिल, यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली इसी बहाने। जहन अच्छा हो गया यार वैसे इसी बहाने हमारे पास कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, तो चले कोल्ड ड्रिंक लेके अब हम नेक्स्ट स्पॉट पर जा रहे हैं जी। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ से हम इस्लामाबाद का एग्जिट कर रहे हैं और हरिपुर खैबर पख्तूनख्वा में इंटर हो रहे हैं। चलें जी कैंपिंग स्पॉट की तरफ, हमने ऑफ रोडिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी है, बस जल्दी से कैंपिंग स्पॉट पे पहुँचते हैं ताकि हम अपने कैंप वगैरह लगाएं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे अब किसी किस्म का कोई मसला परेशानी ना हो और हम अच्छे से कैंप कर लें, क्योंकि अभी जो है ना टाइम अच्छा खासा हो गया है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो 8:20 होने वाले हैं, 8:30 बज चुके हैं जी रात के, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सेकंड कैंपिंग स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। और जगह कौन सी ये मैं आपको सुबह बताऊंगा, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये कौन सा स्पॉट है, क्योंकि अभी कुछ नज़र तो आना नहीं है। बस अभी जल्दी से हम अपना कैंप सेटअप यहाँ पे करते हैं, बाइक्स लगा ली हैं, जगह हमने सेलेक्ट कर दी है, जल्दी से अपना कैंप वगैरह यहाँ पे सेटअप करते हैं। भूख बहुत शदीद किस्म की लगी हुई है, कैंप्स लगाते हैं फिर खाने पीने का कुछ करते हैं। ओके जी, रात के 9:30 बज चुके हैं और हमारा कैंपिंग सेटअप सारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है कैंप फायर के लिए कुछ लकड़ी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। पिछले कैंप ग्राउंड के अंदर हमने लकड़ी वगैरह भी अरेंज कर ली थी, बल्कि एक लोकल को बोल के उसको कुछ पैसे दे के हमने लकड़ी खरीद ली थी एक्चुअली, लेकिन वो सारा का सारा उधर ही रह गया। अब हमें दोबारा यहाँ से लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हवा इतनी ठंडी चल रही है ना और अच्छी खासी जो है यहाँ पर ठंड फील हो रही है, तो लकड़ी के बिना रात नहीं गुजरने वाली। तो आग के लिए कुछ करना है, पहले लकड़ी ढूंढते हैं। ये काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे कटा हुआ दरख्त पड़ा हुआ है, जो आग लगने की वजह से गर्मियों में ज़ाया हो जाते हैं ना, तो उनको इन्होंने काट के यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने कुछ किया होगा तो रखा हुआ था। कुछ पीसेज हमने उसके उतार लिए हैं और एक ये बड़ा सा लकड़ मिला है, ये बड़ा अच्छा जलेगा जी। और वो रही दूर हमारी कैंप साइट, कैमरे में तो नज़र नहीं आ रही, चलते हैं वापस जी और ट्राई करते हैं आग लगाने की। ये है जी दानियाल का कैंप और इसका सेटअप हो चुका है, सब कुछ अंदर लग चुका है और साथ में दानियाल की बाइक आ गई। ये है जी कैंप जैन का, ये भी आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। और देखें कैंप भी ग्रीन है और लाइट भी अंदर ग्रीन ऑन की हुई है, क्या बात है। ये जी जैन का कैंप आ गया, इस तरफ बाइक खड़ी हुई है और चेयर्स वगैरह भी हमने बाहर लगा दी हैं। ये सीन है, ये आई जी हमारी टाइगर और साथ ही कैंप। और कैंप ये देखें, सबसे गंदा कैंप मेरे ख्याल में मेरा ही है, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ, ऐसे ही मैं अंदर उठा उठा के फेंकता गया हूँ। यहाँ पे चीज़ें चार्ज हो रही हैं और ये फायर पिट हमने बनाई है, इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे ताकि यहाँ पे हम आग जलाएं। और यहाँ से आपको दिखा देता हूँ जी, ये दो भाई हजरात भाग रहे हैं कैमरे से कैमरे से भाग रहे हैं। सो जी ये कुछ सेटअप है, अल्हम्दुलिल्लाह देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है और काफ़ी प्यारा हो गया है। तो चलें जी पहले आग जला लेते हैं। ऑन हो गया ना? ऑन है, सही आ रहा है, यू चल रहा है, चल रहा है एकदम मस्त। ये जगह हम इसको मैं चारों थोड़ा इधर कर लेते हैं, पता है यार, लेकिन वो जला सही हुआ है, वहाँ जल्दी आग लग गई। उसकी छोड़ेंगे आप पीछे, ठीक है।
ऑलराइट, रात के 10 बज चुके हैं और अब हम करने लगे हैं जी खाने पीने का सीन। सारा कुछ सेटअप कंप्लीट हो चुका है, आग भी हमने जला ली है और अब काफ़ी वार्म अप हो चुके हैं। अब करते हैं जी डिनर। चलें जी, अब हो गया डिनर का काम और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। इसके अंदर हम गर्म करेंगे जी, हम लेके आए थे चपली कबाब और अभी तो सही बर्फ बन चुके हैं वो, उनको थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि हम गर्म कैसे करें ना। लेट्स सी, ये तो वापस ठंडी हो गई जब तक आप ये गर्म करो। बस ये मैं एक लाता हूँ ना, इसको तो खाए ना। मैं नान गर्म हो रहे हैं साथ, एक जो है कागज भी आपको नजर आ रहे होंगे। जी दानियाल भाई, हाउ इज द कैंपिंग सो फार? अभी तो आंखों में धुआं गया। इधर से लाइट आ रही है, उधर से धुआं गया। हाँ। हाँ। ये सीन है जी यहाँ पे। चलेंगे इसके ऊपर रखने, इसके ऊपर रखने, ऐसे इतना गर्म नहीं है। एक मिनट थोड़े थोड़े जी, थोड़े 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 ठंडा ही होगा ये तो। हवा इतनी ठंडी चल रही है तो ये नान के रुकता है। हां गर्म है तो ठंडा है। चलें जी, हम बन गए दानियाल के मेहमान। दानियाल के कैंप में ही हम तीनों आ गए हैं। ये कुछ ऐसे सीन है और अभी यहाँ पे साथ साथ बनाएंगे जी चाय। बाकी आग वगैरह हमने बुझा दी है, बस वो एक लाइट ऑन है और बाकी सब कुछ हमने क्लीन कर दिया। अब चाय बनाते हैं और चाय के बाद जो है, चाय के साथ साथ हम करेंगे गपशप और फिर जब नींद आएगी तो फिर हम सोने जाएंगे। हाँ इसी को ओपन करें ना। हाँ बस पत्ती है, पत्ती दें। चलो वैसे भी मैट्रेस बाहर निकालना है। कड़क चाय पीनी है ना? कड़क हो जाए, कड़क ही मजा कराएगी भाई। ये हर तरफ को अंधेरा। चलें इसको बंद कर दें इसी तरह। चाय को हम गिरने से बचा रहे थे लेकिन चाय केटल के ऊपर गिर ही गई। और देखो स्टोव के ऊपर भी सारी चाय चाय। ओके जी, रात के बजने वाले हैं 12। चाय बन गई थी, प्लान तो यही था कि दानियाल के कैंप में बैठ के गपशप करेंगे, चाय वहाँ पे पियेंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था सामान, क्योंकि हम सब लोगों ने कैंप के अंदर ही डाला हुआ है। तो सिंगल पर्सन कैंप्स हैं सबके, तो वो ऑलरेडी जगह तंग हो गई थी। तो हमने कहा चलो यार अपने अपने कैंप्स पे जाते हैं, चाय इन्जॉय करते हैं। और बाहर बहुत ही कमाल की जो है ना ठंड पड़ रही है इस्लामाबाद में। हालांकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, वहाँ गर्मी दिन को गर्मी लगती है, और बड़े हम रिलैक्स माहौल में आए थे। ये वाले ग्लव्स पहन के मैंने बाइक राइड की थी तो मौसम में इतना फ़र्क आ गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही फ्रीजिंग किस्म का टेम्परेचर हो रहा है और इस टाइम बाहर निकलने की बिल्कुल हिम्मत भी नहीं है। और चाय मज़े की बनी है और सारे लोग अपने अपने कैंप से वापस जा चुके हैं, अभी सोने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा सामान मैं सब हुआ हुआ है साइड पे करता हूँ, बिस्तर में घुसता हूँ और सुबह आपसे मुलाकात होती है जी नाश्ते पे। स्पॉट कौन सा है जहाँ पे कैंपिंग की है ये मैं आपको सुबह बताऊँगा, और बल्कि सुबह आपको दिखाऊँगा भी। तो चलें जी, गुड नाइट। Thank you.
चलें जी, फाइनली सूरज ऊपर आ चुका है काफ़ी, और हमने काफ़ी देर बैठ के आग के पास एंजॉय की है, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी कि कुछ कोई काम करने को दिल भी नहीं कर रहा था। थोड़ी देर आग जलाई है, एंजॉय की है, कुछ पिक्चर्स वगैरह ली हैं जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और ट्रैक है जी ये वाला, मखनियाल के पास ही ये ट्रैक है, और डिफरेंट आगे गाँव वगैरह हैं वहाँ की तरफ ये ट्रैक निकलता है। बाइक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ऑफ रोड ट्रैक है, और आगे डिफरेंट यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, साथ कुकीना है और नीचे मुस्लिम टाउन है, तो इस तरह के जो है ना एरियाज़ हैं नीचे। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रैक है। यहाँ पे हमने किया जी कैंपिंग, ये हमारा पीछे कैंप साइट थी, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया है। कल हमारे साथ थोड़ा सा बैड सीन हो गया था, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पुलिस वालों ने आके गैर ज़रूरी हमें तंग किया है पैसे खाने के चक्करों में, लेकिन हमने भी कहा हम पैसे नहीं देंगे और हम किसी अच्छे से स्पॉट पे चले जाएंगे और वहाँ कैंप कर लेंगे। वैसे भी वहाँ जहाँ पहले हम कैंप कर रहे थे ना, वो स्पॉट इतना मज़े का नहीं था जितना कि हमारा यहाँ पर अच्छा सीन हुआ है। तो कैंप सेटअप मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, अभी चाय शाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पैकअप करेंगे और फिर वापसी के लिए निकलेंगे। नहीं, मेरी चाय गर्म है। अच्छा? अभी मैं नॉन स्टॉप चाय पीने लगूँ। ओके जी, चाय बनाई है जैन ने, और जैन ने कहा इस चाय का रिव्यू मुझे देना है कि कैसी बनी है। बिल्कुल ही इंतहाई जो है ना, बेहतरीन किस्म की चाय बनाई है जैन ने, और ठंड का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लव्स के बगैर जो है ना हाथ बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं। अभी चाय शाय इंजॉय कर रहे हैं। ऑलराइट जी, पैकिंग हमने स्टार्ट कर दी है, अब वापस निकलने का करते हैं। कैंपिंग का सीन हमने एंजॉय कर लिया, और जगह जिस तरह थी हम वैसे ही उसको क्लीन कर भी लिया, और काफ़ी अभी जो कचरा वगैरह थोड़ा रह गया तो हम उसको पैक करके साथ लेके जाएंगे, ताकि जगह जिस तरह थी इसको हम वैसे की वैसे ही छोड़ के जाएँ। और काम शाम चल पड़ा है, मैं भी चलता हूँ पैकिंग करता हूँ, और इसी के साथ ही करते हैं जी इस कैंपिंग व्लॉग को यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे मेरे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के कैंपिंग एडवेंचर मैं पाकिस्तान में करता रहता हूँ। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सीन हमारा होगा, इंशाल्लाह हम स्नो कैंपिंग की तरफ जा रहे हैं। प्लान इसका सारा कम्प्लीट हो चुका है और जगह भी डिसाइड कर लिया, लेकिन अभी इसको सीक्रेट रखूँगा। इंस्टाग्राम पर आपको उसकी अपडेट्स मिल जाएंगी, सामने लिंक आ रहा है, फॉलो कर लीजिएगा, और इसके बाद आपको दिखाऊंगा जी कैंपिंग व्लॉग। यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।